हाय सुनील। ये क्या हो रहा है? ये हमारे घर की सजावट हो रही है। या इस घर को अपने घर के जैसे बनाने की कोशिश हो रही है? क्यों, ये मेरा घर नहीं है क्या? सोच लो। अरे बाबा, शादी के बाद लड़के का घर उसका ससुराल होता है और मुझे जिंदगी भर यही तो रहना है। अच्छा, गुजारा हो पाएगा? क्या मतलब? मतलब ये कि इस घर को चाहे तुम जितना भी सजा धजा लो, मल्होत्रा घराने के घर के जैसा कभी नहीं बना सकते। मेकअप करने से नाक नक्श नहीं बदलते हैं मोहतरमा, वैसे ही नक्शा बदलने से घर कभी भी बड़ा नहीं हो जाता है। सुनील, खबरदार जो इस घर के बारे में कुछ भी अनावश्यक बात की। मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, चाहे तुम्हें बड़ा ही खराब लगे। अरे रितु, रितु, रितु देखो, रितु, रितु क्या कर रही हो, क्या कर रही हो तुम? इस घर को पहले जैसा बना रही हो। देखो रितु, आई एम सॉरी। देखो देखो, मैं तंज में ये बात नहीं कर रहा था। आई एम सॉरी। देखो आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। सुनील, तुम बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे थे। तुम्हारी आवाज में तंज में बिल्कुल पहचानती हूँ। पकड़े गए, प्लीज प्लीज सॉरी। सुनील, मैं तुमसे हाथ जोड़कर पूछती हूँ कि तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? मुझे बुरा लगता है। मैं ऐसी बातें इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जब मैं आसपास अपनी नजर घुमाकर देखता हूँ तो सारे रिश्ते मुझे टूटते हुए नजर आते हैं। शादी के बाद की हकीकत कुछ और ही हो जाती है, और तुम देखना, शादी के बाद तुम्हारी भी हकीकत में बहुत बड़ा फर्क आने वाला है। और ये बात मैं तंज में नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे झुमके की कसम। रश्मि, इस घर में और तुम्हारे घर में बहुत बड़ा फर्क है, मान लो इसको। हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। है ना? हाँ बिल्कुल है। सुनील, तुम समझते क्यों नहीं, उस घर में सब कुछ है लेकिन मेरा सुनील नहीं है। और इस घर में, इस घर की एक एक चीज में सुनील है। सुनील, जब तुम नहीं होते हो ना, तो ये सब मिलकर तुम्हारी कमी पूरी करते हैं। तुम्हारी टेबल, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारी किताबें, तुम्हारी कलम, तुम्हारी ऐनक, तुम्हारी ये कपड़े, ये सब मुझसे बातें करते हैं बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। सोनियो, मार सुटिया। सुनील वर्मा, आज तुम ये केस हार गए। आज अपने घर की कचहरी में आपके वकालत का लाइसेंस कैंसिल।